जैसे कि आप पॉलिटिक्स में बदलते माहौल को देख पा रहे होंगे, कहीं पार्टीज में स्प्लिट देखने को मिल रहा है तो कहीं MLAs पार्टी एफिलिएशंस चेंज कर रहे हैं। इन सब बदलावों के चलते असर जुडिशरी पर भी नजर आ रहा है। रिसेंटली आपने कई ऐसी न्यूज सुनी होंगी जहां पर ये कहा जा रहा है कि जजेस और उनकी जजमेंट्स पर पॉलिटिकल प्रेशर है, और इसी बात को लेकर हाल ही में 600 लॉयर्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक डिटेल लेटर भी लिखा था। पर अब जो हुआ है उसकी कल्पना कर पाना भी काफी मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मूव सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस से देखने को मिला है। आप तो जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हमेशा से जजेस को सोशल और पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री रहने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस हर एक जज के केसेस को बिना किसी प्रेशर या फिर बायस के डिसाइड करने से है। पर फिर ऐसा क्या हुआ है जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिटायर्ड जजेस ने हाईलाइट किया है? जी हाँ, आपने सही सुना। 600 लॉयर्स के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखने के बाद अबाउट एफर्ट्स दैट आर बीइंग मेड टू बिलिटल एंड मैनिपुलेट कोर्ट्स फॉर पर्सनल एंड पॉलिटिकल रीजंस एंड अर्ज द सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट। अब ऐसा ही एक सिमिलर लेटर रिटायर्ड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस द्वारा सामने आया है। संडे को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 21 रिटायर्ड जजेस के एक ग्रुप ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड को एक लेटर लिखा है ऑन द एस्केलेटिंग अटेम्प्ट बाय सर्टेन फैक्शन टू अंडरमाइन द जुडिशरी थ्रू कैलकुलेटेड प्रेशर मिस इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक डिस्पार्जमेंट। इस लेटर के जरिए जजेस ने अपने डीप कंसर्न एक्सप्रेस किए हैं इस बात पर कि कैसे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं जिससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और क्रेडिबिलिटी को इरोड किया जा सके। उन्होंने अपने लेटर में कहा है कि ये क्रिटिक्स नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट और पर्सनल गेन से मोटिवेटेड है और जुडिशियल सिस्टम पर एक पब्लिक कॉन्फिडेंस को हटाना चाहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस लेटर में ये मेंशन नहीं है कि ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हैं जिसकी वजह से रिटायर्ड जजेस को ये लेटर लिखना पड़ा, लेकिन लोगों का मानना है कि लेटर का उस वक्त आना जब रूलिंग पार्टी BJP और अपोजिशन पार्टीज के बीच वॉर ऑफ वर्ड्स छिड़ी हुई है ओवर द एक्शंस अगेंस्ट सम अपोजिशन लीडर्स इन करप्शन केसेस। इसी बात को बताता है कि शायद ये लेटर इसी के रेफरेंस में है। आपने देखा होगा कि जहां इफेक्टेड लीडर्स और उनकी पार्टीज कोर्ट में रिलीफ लेने के लिए जा रही है, BJP ने उन्हें हमेशा से एक्यूज किया है ये कहते हुए कि वो हमेशा जुडिशियल डिसीजंस को सिलेक्टिवली यूज करते हैं और अरेस्टेड लीडर्स को रिलीफ ना मिलने पर उन्हें अपोजिशन क्रिटिसिजम्स की तरह साइट करते हैं। वहीं अपोजिशन लीडर्स का भी ये मानना है कि रूलिंग पार्टी अपनी पावर्स का मिसयूज करके एजेंसीज को ऑपरेट कर रही है अपने फायदे के लिए। खैर, ये तो उनका ओपिनियन है, पर ये लेटर के बारे में बात करें तो ये लेटर रिटायर्ड जजेस इंक्लूडिंग जस्टिसेस दीपक मिश्रा, कृष्णा मुरारी, दिनेश महेश्वरी एंड MR शाह ने लिखा है और क्रिटिक्स को एक्यूज किया है इंसीडियस मेथड्स अपनाने के लिए जिससे जुडिशियल प्रोसेसेस को स्वे किया जा सके बाय कास्टिंग एस्पिरेशंस ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ कोर्ट्स एंड द जजेस। इसका टाइटल है नीड टू सेफगार्ड जुडिशरी फ्रॉम अनवॉरंटेड प्रेशर्स। दे हैव रिटन Such actions not only disrespect the sanctity of our judiciary, but also pose a direct challenge to the principles of fairness and impartiality that judges, as guardians of the law, have sworn to uphold. Judges ने letter में लिखा है कि ऐसे groups द्वारा अपनाई गई strategy बहुत ही ज्यादा troubling है और बहुत limits तक range करती है. For example, propagation of baseless theories intended to malign the judiciary's reputation to engaging in overt and covert attempts to influence judicial outcomes to their favor. उन्होंने लेटर में ऐड किया है that this behavior we observe is particularly pronounced in the cases and causes of social, economic and political significance, including the cases involving certain individuals wherein the lines between advocacy and maneuvering are blurred to the detriment of judicial independence. Retired judges ने Chief Justice of India को लिखे लेटर में अपना सबसे बड़ा जो concern raise किया है वो जुडिशरी के अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन की टेक्टिक्स और बनाए जा रहे पब्लिक सेंटिमेंट्स को लेकर है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ उन डिसीजंस को प्रेस करना जो उनके व्यूज से मैच करते हैं और बाकियों को क्रिटिसाइज करना जुडिशियल रिव्यू और रूल ऑफ लॉ के एसेंस को अंडरमाइन करता है। इट स्टेटेड द प्रैक्टिस ऑफ सेलेक्टिवली प्रेजिंग जुडिशियल डिसीजंस दैट अलाइन विद वन्स व्यूज व्हाइल वेहेमेंटली क्रिटिसाइजिंग दोज दैट डू नॉट undermines the very essence of judicial review and the rule of law. Retired judges ने जुडिशरी को लीड करने वाले सुप्रीम कोर्ट से अर्ज किया है कि ऐसे प्रेशर से बचे और लीगल सिस्टम की सैंसिटी और ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करे। दे सेड इट इज इम्पेरेटिव दैट द जुडिशरी रिमेन्स अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इम्यून टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ ट्रांजिट पॉलिटिकल इंटरेस्ट।
इस लेटर में उठाए गए कंसर्न्स गौर करने वाले हैं, क्योंकि ये देख पाना काफी साफ है कि आजकल कोर्ट्स में हमें मोस्टली पॉलिटिकल केसेस ही देखने को मिल रहे हैं और उसके बीच में कोर्ट्स के दिए गए डिसीजंस पर लोगों का रिएक्शन भी काफी विजिबल है। कभी ये रिएक्शन जुडिशरी के फेवर में होता है तो कभी उनके अगेंस्ट। अब जैसे कि हमने आपको 600 लॉयर्स के लिखे लेटर के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कुछ वक्त पहले एक लेटर लिखा था और कहा था कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स जुडिशरी को प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही वो जुडिशियल प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, अपने फ्रिवोलियस लॉजिक्स और स्लेट पॉलिटिकल एजेंडा से कोर्ट को डिफेम भी कर रहे हैं। इन 600 लॉयर्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा था कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑफ अ सपोज्ड बेटर पास्ट एंड गोल्डन पीरियड ऑफ द कोर्ट्स, कॉन्ट्रास्टिंग इट विद द हैपनिंग्स इन द प्रेजेंट। लॉयर्स का मानना था कि ये कुछ और नहीं पर इंटेंशनल स्टेटमेंट्स है टू स्वे कोर्ट्स डिसीजंस एंड टू एम्बैरेस द कोर्ट्स फॉर सर्टेन पॉलिटिकल गेन। उनके लेटर में भी रूल ऑफ लॉ को लेकर एक कंसर्न रेज किया गया था, जो कहता था कि ये देख पाना काफी मुश्किल है कि ये ग्रुप्स हमारे कोर्ट्स को उन कंट्रीज से कंपेयर कर रहे हैं जहां रूल ऑफ लॉ नहीं है और हमारे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को अनफेयर प्रैक्टिस से एक्यूज कर रहे हैं। इन लॉयर्स का मानना था कि ये सिर्फ एक क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि एक डायरेक्ट अटैक है जो जुडिशरी पर से पब्लिक ट्रस्ट को डैमेज करने और हमारे लॉस की फेयर एप्लीकेशन को थ्रेटन करने के लिए किया गया है। लिखे गए इन दोनों ही लेटर्स में कॉमन है कि दोनों ही जुडिशरी पर हो रहे अटैक्स, क्रिटिसिज्म और हैम्पर होती हुई इंडिपेंडेंस को लेकर काफी कंसर्न्ड है। बिना किसी पर्टिकुलर ग्रुप या केस का नाम लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को लिखे दोनों ही लेटर्स में सीरियस इश्यूज रेज किए गए हैं। यहाँ तक कि ये भी हिंट किया गया है कि चुप रहने या कुछ ना करने से उन लोगों को और भी पावर मिलेगी जो हार्म कॉज करना चाहते हैं। इसलिए अब वक्त है ऐसे एक्ट्स पर एक्शन लेने का और इनके अगेंस्ट बोलने का। आपको बता दूं कि वैसे तो ये लेटर्स लीगल फ्रेटर्निटी से ही देखने को मिले हैं, पर इसके रिएक्शंस पॉलिटिकल फील्ड से भी आए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 600 लॉयर्स द्वारा लिखे गए इस लेटर पर स्टेट किया था, टू ब्रॉबीट एंड बुली अदर्स इज विंटेज कांग्रेस कल्चर। 5 decades ago itself, they had called for a committed judiciary. They shamelessly want commitment from others for their selfish interest, but desist from any commitment towards the nation. No wonder 140 crore Indians are rejecting them. इस एक पोस्ट से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन लॉयर्स को सपोर्ट किया था। वहीं ऑपोजिशन ने मोदी के इस मूव को करप्शन में एक लीगल गारंटी देने के लिए एक्यूज किया था। तो ये बात साफ है कि माहौल हर जगह गर्म ही है और इसका रीजन भी देश में बढ़ रहे करप्शन और सामने आ रहे स्कैम से जुड़ा है। तो जब लॉयर्स और रिटायर्ड जजेस भी जुडिशरी पर बढ़ने वाले पॉलिटिकल प्रेशर को लेकर इतना टेंस्ड हैं, आपके इस बारे में क्या विचार है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट।